तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको ये बता दूं कि ये मेरी जैसे रेगुलर या फिर जनरल वीडियोस होती है, ये वैसे वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो फॉर वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर ज्ञानी 2.0। वो थोड़ी ट्रबल में है एंड आई थिंक आई हैव अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको इंस्टा पे डीएम करता तो ऑब्वियस सी बात है इतनी भीड़ में मेरा डीएम कहीं खो जाता। मैं अगर यूट्यूब के कमेंट्स में कुछ लिखता तो ऑब्वियस सी बात है उतने कमेंट्स से मेरा कमेंट कहीं खो जाता। एंड आई जेन्युइनली वांटेड दिस टू कन्वे टू हिम एंड दैट इज व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे ऊपर इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो और नॉट। बाकी मेरी जो जनरल रेगुलर वीडियोज आती है वो कल से आएंगी। बट एक रिक्वेस्ट है कि इफ यू कैन हेल्प मी, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प मी, प्लीज कहीं से भी इस वीडियो को 11 तक पहुंचा दो। अगर तुम चाहो तो उसे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, अपने स्टोरी पे लगा के टैग कर सकते हो इफ यू वांट। बट तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं ये वो तो तुम्हारे ऊपर है। बट इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड यू थिंक कि दिक्कतें चल रही है तो यू मे वॉच दिस, बाकी इट्स ऑल योर चॉइस। नाउ अज्यूमिंग कि दिस वीडियो हैज रीच्ड आउट टू ज्ञानी, सो आई एम सीधा टॉकिंग टू यू ज्ञानी सी। आपको ये याद होगा कि आई एम दैट पर्सन जिसने आपके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड डेप्थ वाली ऑडियंस, जिस पे आपने रिएक्ट भी किया था। मैं वही बंदा हूँ और आज मैं वापस से आपके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्या ये क्लाउड के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फेमस होने के लिए? नहीं। इट इज़ बिकॉज जेन्युइनली आई केयर अबाउट यू और मैं आपको काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ। एंड नो मैटर वॉट प्रॉब्लम्स यू आर इन, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को शायद ना समझ पाऊँ लेकिन मैं आपकी मेंटल स्टेट को 110% समझ सकता हूँ। अब देखो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें हैं। नंबर वन, प्लीज़ अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो देयर आर चांसेस कि ये अजीब सी वीडियो को देखने के बाद मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं। आई डोंट केयर, पर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सेकंड, इस वीडियो में प्लीज़ आप अपनी जजमेंट हटा के देखना, क्योंकि शायद मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे। शायद आपके मन में आए कि ये 19 साल का लड़का मुझे क्या बता रहा, सो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। सो देखो यार ज्ञानी भाई, ये जो चीज़ है ना, आपने अपनी जो कल वाली वीडियो थी, फिर मैं आपको काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, आपका जो 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 मेंटल स्टेट है वो, आप जिस लूप में फंस चुके हो, जिस प्रॉब्लम्स के लूप में फंस चुके हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप होती है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ ज्ञान की बात नहीं बता रहा, मैं वीडियो को जितनी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा उतना अच्छा है। आई विल नॉट टेक अप मच ऑफ योर टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जिस वे से आप अपने प्रॉब्लम्स को डील करते हो थ्रू अल्कोहल, थ्रू ऑल दिस थिंग, और आप जो अपने वीडियोस में जैसे रेगुलर बोलते हो कि अल्कोहल एक सोल्यूशन है, बिलीव मी आप अपने लाइफ के जिस भी प्रॉब्लम वाले स्टेट में हो, आप फिर भी कुछ करोड़ों लोगों से बेटर हो। मैं जिस सोल्यूशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, शायद वो सोल्यूशन आपको बुलशिट लगे, शायद वो सोल्यूशन आप बोलो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, शायद आप बोलो कि नहीं ये मुझसे हो नहीं सकता, पर बिलीव मी मैंने लोग देखे हैं जो अपने लाइफ के बिल्कुल एंड पॉइंट पे थे, वो मेंटली दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स 100 times थी, इतनी मेरी गारंटी है। बट दे केम आउट ऑफ इट स्मूथली एंड आज वो खुश हैं। देखो आपकी भी प्रॉब्लम है, मुझे पता है, आपने वीडियो में कहा कि आप कैमरे पर ट्रांसपेरेंट रहते हो, बाकी जो लोग होते हैं, बाकी जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो शो ऑफ करते हैं, वो फेक बनते हैं, वो होता है, आई अंडरस्टैंड, वो मुझे पता है कि वो होता है। मैं भी देखता हूँ कि आप रॉ रहते हो, आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हो, और मुझे ये भी पता है कि सोशल मीडिया पर किस टाइप की चीज़ें ज़्यादा बिकती है। तो आपकी ये जो बात है ना कि ये जो मेरा हीरो वाला रूप है इसको मैं विलेन में ट्रांसफॉर्म करूंगा, इट्स योर चॉइस, जो कर रहे हैं करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करके आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी तो नो, दैट वुड नॉट बी द थिंग, बिकॉज आप फिर से थोड़े टाइम बाद उस लूप में जाके फंसने ही वाले हो। वॉट इज द सोल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट? प्लीज सुनने के बाद पूरी वीडियो को सुनना बंद मत कर देना, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा एवर्जन है। प्लीज फॉर गॉड सेक कोई भी एक मेडिटेशन का कोर्स कर लो एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग, और प्लीज इस वीडियो को बंद मत करना आप ना। मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, देखो
आपने अल्कोहल पिया वो अपने अपनी बॉडी के लिए किया, आपने बुक्स पढ़े, सीरीज देखे वो अपने अपने माइंड के लिए किया, लेकिन दिक्कत जो आपके सोल में आ गई, आपने अपने सोल के लिए क्या क्या क्या, क्या किया आज तक? वो स्पिरिचुअलिटी है, वो मेडिटेशन है, वो आपको करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां तक गई है और प्रॉब्लम वहीं से हील होती है। सिम्टम्स को हील करते हो जब आप दारू पीते हो, आप जब कोई सीरीज देख के मन को डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, तो प्रॉब्लम हील नहीं होती, वो प्रॉब्लम के सिम्टम्स हील होते हैं। और प्रॉब्लम के सिम्टम्स का हील होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम ही हील हो गई। प्रॉब्लम हील होने के लिए आपको अपने सोल के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि आपके माइंड के लिए, ना कि आपकी बॉडी के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ अपने सोल के लिए काम करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में आके तो देखो यार, मेरी बात तो मानो। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे मेरी, अगर आप मेडिटेशन करो आपको अच्छा ना लगे, आप मेरे को गालियाँ देना, मुझे गाली देते हुए पूरी वीडियो बना देना, पूरी वीडियो बना देना, गालियाँ दे देते रहना जिंदगी भर, मेरे चैनल के ऊपर रेड मरवा देना, लेकिन ट्राई तो करो। देर इज अ रीजन वाई आई एम मेकिंग अ स्पेसिफिक वीडियो, वाई आई एम मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो। देखो आपकी जो मेंटल स्टेट है कि आप कुछ बता नहीं सकते क्योंकि किसी को, आप अंदर ही अंदर सफोकेट हो सकते हो, आई कैन 100% रिलेट टू दैट। बिकॉज मैं भी उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से ओपनली शेयर करूँ, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ होती है, क्या दिक्कतें होती है। बट मेडिटेशन इज वन थिंग विच विल हेल्प यू। अगर आप ऐसा बोलते हो कि अल्कोहलिक्स सोल्यूशन है, तो नहीं है। आप अपने आप को उस चीज में डाल के और बर्बाद कर रहे हो। आपको लग रहा है वो सोल्यूशन है, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पररी स्टेज है, और वो टेम्पररी फेज जिससे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, मेडिटेशन इज द वे। प्लीज मेरी बात मान लो, अगर आपको हेल्प चाहिए कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, मैं आपको इंस्टा पर डीएम कर दूंगा, आप मेरे से बात कर लो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं आपको प्रोग्राम्स में रजिस्टर तक करके दूंगा, आप बस जाके अटेंड कर लेना। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट यू, अगर और भी कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैं इसको बहुत ज्यादा कन्वे करते आया हूँ अपने चैनल पर, और आज मैं इसको बड़ी सीरियसनेस से बोल रहा हूँ कि यानी भाई देखो, चीज़ें दिक्कतें सबके साथ होती है, अल्कोहल, ये चीज़ें, बुक्स पढ़ना, सीरीज देखना, ये टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है, ये आपके लिए एक सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन मेडिटेशन है। मैं आपको काफ़ी टाइम से ऐसे देखते आ रहा हूँ। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने आप पे बनाई थी वो आपको सेंसिबल लगी थी, तो प्लीज़ मेरी इस बात को मान के एक बार ही इनरोल करो। कहाँ से ज्वाइन करना मैं आपको सब बता दूंगा, बट एटलीस्ट प्लीज़ रीच आउट टू मी, या फिर मैं आपको रीच आउट कर लूँगा। बट आई कैन नॉट सी एक यूट्यूबर जो अपनी ऑडियंस को लेकर इतना ट्रांसपेरेंट है, एंड आई नो कि यू आर ट्रांसपेरेंट, आप ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो, और यहाँ पर वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा क्लाउट नहीं मिलता है, तो आई अंडरस्टैंड कि आप किस वे से यूट्यूब को डील करते हो, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। देखो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा है, सोका गक्कई है, इस्कॉन है, बहुत है। मैं आपको बोलूँगा यार कोई भी एक प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, प्लीज़ दिस इज अ हार्टली रिक्वेस्ट। मतलब मैं वीडियो बना के बोल रहा हूँ, तो सोचो मैं एफर्ट्स लगा के वीडियो एडिट करके कि बना के डाल रहा हूँ, तो हाउ मच आई एक्चुअली केयर अबाउट दिस थिंग। क्योंकि मुझे पता है कि आप किस मेंटल स्टेट में हो, और मुझे पता है कि इन्फ्लुएंसर्स कितने फेक हैं इंटरनेट पर, और उनको बहुत क्लाउट मिलती है, और आप फेक नहीं हो, दैट इज वाई यू डोंट गेट दैट मच थिंग्स। पर बिलीव मी, अल्कोहल, सिगरेट, दिस दैट, ये चीजें बेकार है, बेकार है मतलब 100% बेकार है। वो टेम्पररी सोल्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको उल्टा प्रॉब्लम में ही डालता है। तो प्लीज मेडिटेशन स्टार्ट करो, प्लीज प्लीज कह रहा हूं मैं, इतना मैं नहीं बोलता पर प्लीज कह रहा हूं स्टार्ट करो। एक सब्सक्राइबर की, अपने छोटे भाई की, दोस्त की जो समझना समझो, या अपना एक यूट्यूब का कलीग मान लो जो समझना समझो, प्लीज अंडरस्टैंड माई थिंग व्हाट आई एम सेइंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग। क्या आपकी उससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी? नो, बट यू वुड बी 99 to 100% मोर एम्पावर्ड, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी आपके पास, भरोसा तो करो, एक बार ट्राई करो। मैं इस वीडियो के बाद आपको डीएम पे भेजने वाला हूँ इस वीडियो का लिंक, और मैं आपको हाई टेक्स्ट करने वाला हूँ। अगर कहीं से भी हो, मेरी आईडी का नाम ह्यूमन आर्यन है, अगर आपको हो एक बारी प्लीज टॉक टू मी,
आई मेक यू रजिस्टर इन ऑल दोज मेडिटेशन के प्रोग्राम्स। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने तो मैं आपको फ्री प्रैक्टिस भी बता दूंगा, बट प्लीज ट्राई एंड स्टार्ट, बिलीव मी यू विल बी हील्ड। बात मानो मेरी, यू विल बी हील्ड एंड यू हैव दैट पोटेंशियल, यू विल बी हील्ड। ये दारू वारू बंद करो यार, सोल्यूशन है। आपको लगता है कि आप अपने घर में खुश नहीं रह सकते, ये वो, आप अपने अंदर से खुश नहीं हो। आपके एनवायरमेंट उतना मैटर नहीं करेगी अगर आप अंदर से खुश हो, बिकॉज़ इट्स यू हु मेक योर लाइफ हैप्पी और सैड। तो आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपके अंदर से आती है तो सोल्यूशन भी आपके अंदर से ही है, और वो अल्कोहल नहीं है, वो मेडिटेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी है। आपको ऐसा लगेगा क्या ज्ञान बांट रहा है ये वो, पर प्लीज अंडरस्टैंड। क्या बोलूं मैं, बोलते बोलते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने बोला है कि शॉर्ट रखूंगा, फिर भी 10 मिनट की तो हो ही गए। प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग, बात समझ लो, बात मान लो, छोटा भाई समझ लो, प्रॉब्लम यू ना सॉल्व हो गई ना, कम से कम आपको इमीडिएट पे इतनी हेल्प मिलेगी ना, मेरी बात तो मानो, सब ठीक ठीक हो जाएगा यार। एंड वी आर विथ यू, डोंट डोंट वरी। दैट इज इट, इतना ही बोलना था। ऑल द बेस्ट।